अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी प्यारे भाई, क्या सब ठीक है? रूम चेंज किया है हमने, तो अगर आपको कंडीशन दिखाने लगा हूँ कि कैसे परदेसी ज़िंदगी गुजारते हैं अपने, ये मत सोचिएगा बाहर आ रहे हैं सऊदी अरब में या किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो बड़े सुकून में रहेंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुश्किलें हम लोग झेलते हैं वो शायद जो हमारे अपने कंट्री में रहते हैं, मतलब कि जो घर में रहते हैं वो नहीं ये जानते हैं, तो जो दोस्त हैं वो ये नहीं जानते कि हम किस हालत में आ रहे थे। ज़रा ये देखिएगा, ये बिल्डिंग का विजिट कराने लगा हूँ आपको, जो रूम हमने नया लिया है। गंदगी देखिएगा, वो स्मेल इतनी आती है कि बस क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। ज़रा देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ज़रा, सफाई तो शायद यहाँ कुछ 6 महीने हो गए, हुई नहीं मेरा ख्याल। स्मेल तो मैं आपको फील नहीं करवा सकता वीडियो में, लेकिन स्मेल बहुत ही गंदी है। ज़रा ये देखिए ऊपर, ये है जी छड़ों की बिल्डिंग, नज़र आ रहा है आपको? छड़ों का मतलब सिंगल्स की बिल्डिंग। और ये जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, ये एक कमरा नहीं है, इसके एक अपार्टमेंट होता है, इसके अंदर 3 कमरे होंगे और 2 बाथरूम होंगे, ठीक है? ये एक कमरा है और वो दूसरा पीछे है, अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा, मगर ये कंडीशन यहाँ पर है। और ये देखिए ज़रा, ये भी देखिए ज़रा, अंधेरे की वजह से आपको सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको गंदगी दिखा रहा हूँ। आखिर स्मेल तो ऐसी आ रही है कि बस शुरू के 2-3 दिन तो बस मुझसे रहा ही नहीं गया कमरा, पसलियों के नीचे दर्द हो रही थी, पेपरों में मतलब दर्द हो रही थी, लेकिन क्या करें, गुजारा करना पड़ा था। देख लीजिए ना, इस सीढ़ियों में जा रहे थे, देख रहे हैं, ये देखिए ज़रा कपड़े, यहाँ से मैं ऊपर आ रहा हूँ, यार ठीक है, किराया मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे। 1500 रियाल एक रूम का किराया है, यानी कि एक अपार्टमेंट का, एक अपार्टमेंट के अंदर 3 कमरे होते हैं, 4500 रियाल एक अपार्टमेंट का महीने का किराया, 4500 रियाल पाकिस्तानी को ज़रब दें तकरीबन, तो ये बनते हैं तकरीबन अल्लाह भला करें 3 लाख रुपये एक महीने का किराया, यानी कि साल का किराया हो गया तकरीबन 30 लाख रुपये लगभग एक अपार्टमेंट का, इसमें बिजली और पानी अलग है, ठीक है, उसका भी अलग से है। सर आप सोचें, सर जब कपड़े सुखाए जाते हैं गीले करके, जब उनमें पानी होता है, स्मेल आती कि नहीं आती है? और ये कपड़े सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे रूम में भी होते हैं। अच्छा, ये सामने 3 अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 है, हर एक के अंदर 3-3 जो है कमरे हैं और 2-2 बाथरूम हैं, यानी कि हर एक अपार्टमेंट का किराया तकरीबन 4500 रियाल है महीने का, बिजली पानी आ गया। एक ये कमरा है, एक वो आगे कमरा है, एक वो कमरा है, एक वो सामने बाथरूम है, और एक ये बाथरूम है। मजे की बात यह कि बाथरूम में शावर भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ। बाथरूम शुरू होते ही खत्म हो जाता है, शावर भी नहीं, शावर सेट हमने अलग से ला के लगाया अपना, लड़के उतारना भूल गए लेकिन अलग से लगाया।
ये मत सोचें कि हम बाहर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं या किसी और दुबई मुल्क में जा रहे हैं तो बड़े सुकून में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जलील होने के लिए जा रहे हैं, पैसे कमा के जो भेजेंगे वो पीछे बनेगा जो बनेगा। और कोशिश ये करेंगे अगर आप जा रहे हैं बाहर कंट्री में तो अपने अकाउंट में पैसे सेव करेंगे, अपने नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह ना लें। हम वहाँ जलील हो रहे होते हैं प्रदेश में, और जो कमाई खा रहे होते हैं घर वाले खा रहे होते हैं या किसी और को खिला रहे होते हैं हम। अगर आप फॉरेन कंट्री में किसी मुल्क जाते हैं तो कोशिश करें कि पीछे जो आप सामान वो बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं या पैसे जमा कर रहे हैं, या तो अपने अकाउंट में जमा करें या फिर प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो अपने नाम पर हो, समझ आ रही है। वरना होता ये है कि आप दूसरों के नाम पर लगवा रहे थे फैमिली मेम्बर्स के नाम पर, जब वापस जाते हैं तो वो मिलती नहीं आपको, जाने तक रंग बदल गया होता है। तो यहाँ तो हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, आप लोग भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं प्रदेश में जाके, लेकिन इसकी हम बर्दाश्त करते हैं कि कल को सुकून मिलेगा। और जब हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करें सुकून भी ना मिले पीछे, जब वापस जाएँ 10 साल बाद 5 साल बाद तो कुछ बचे भी नहीं, तो फिर बंदा रह नहीं पाता। अब यहाँ रूम में रहने मजबूरी है क्योंकि स्मेल तो बहुत है, और एक रूम में हमारे पास 6-6 लड़के रह रहे हैं, 6-6 बंदे रह रहे हैं। ऐसे हुकूमत की तरफ से 3 अलाउड है रूम का हिसाब होता है, उसमें एक में 4 भी अलाउड, मैक्सिमम 4, लेकिन एक 4 बंदे महीने का 1500 रियाल यानी कि तकरीबन 450 रियाल किराया कैसे अफोर्ड करेंगे, ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते वो, तो मजबूरी होती है फिर बंदे ज़्यादा रख। जितने बंदे ज़्यादा होते हैं, अब छोड़ें एक बंदा भी गैस छोड़ेगा कमरे में तो सबको सोचने पड़ते हैं। बस मैं क्या बताऊँ, ये मत समझिए कि आसानी है बाहर। दूसरी बात मैं आपको सऊदी की कहानी बता रहा हूँ, अगर दुबई में जाएंगे तो वहाँ और भी जला लेते हैं, याद रखें वहाँ तो लड़के बंदे जो होते हैं ना लेबर वाले शिफ्टों में सोते हैं, दिन में कोई सोता है वहाँ उसी बेड पर 4 बजे पर, रात में कोई और बंदा आके सोता है, वहाँ रिहाइश इससे भी ज़्यादा महंगी है। ये मत समझे कि वहाँ सस्ती है, वहाँ और भी महंगी है, वहाँ तो बेहंतहा में। अच्छा मज़े की बात यह कि हम यहाँ बाहर कोई झोंपड़ी मतलब कि कंटेनर वगैरह में नहीं रह सकते, वो भी मना है हुकूमत की तरफ से, रहना है तो रिहाइश के अंदर है। वैसे एक बात है कि ये जो सफाई है ना ये हुकूमत की तरफ से मना है, फ़ौरन से अलाउ वो सख्ती की जाती है कि सफाई करें, लेकिन ये बिल्डिंग इंतजामिया सफाई नहीं फैला कर रही, अल्लाह आलम क्यों नहीं कर रहा मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर किसी दिन चेकिंग होगी यहाँ पे इसकी सफाई की कि सफाई क्यों नहीं हुई, जितने रूम वाले सबको निकाल देंगे। जबकि रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो चौकीदार होता है या मालिक होता है, हम लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन ये नहीं निकाल देंगे। और दूसरी बात है आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं सफाई करते, भाई हम सफाई कर लेंगे, दूसरे बंदे कल को फिर कचरा फैला देंगे क्या करेंगे, कितनों को मना करेंगे, एक एक अपार्टमेंट के अंदर 10-10, 15-15 बंदे रहते, किस किस को मना करेंगे, कुछ ने थूका हुआ है देख रहे, कुछ ने कोई बोतल फेंकी, कुछ सिगरेट फेंका हुआ है, कोई कुछ फेंका हुआ है, ये देखे सिगरेट नहीं पड़ेगा। दो हमें याद रखिएगा, दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह आसानी से।